विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन के लिए मिनी ऑक्शन मुंबई में आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। BCCI और WPL कमेटी मिलकर ऑक्शन कंडक्ट कराएंगी। ऑक्शन के लिए 165 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी हैं। लीग की 5 टीमों में फिलहाल 30 प्लेयर्स की ही जगह खाली है, जिनमें 9 स्लॉट विदेशी प्लेयर्स के लिए रिजर्व है। ऑक्शन में सबसे पहले 9 प्लेयर्स पर बोली लगेगी, जिसमें भारत की प्रिया पुनिया, पूनम राउत और इंग्लैंड की डेनी वायट और माया बाउचर के नाम शामिल हैं। WPL का दूसरा सीजन अगले साल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। सभी टीमों के पास कुल 17,65,00,000 रुपए का पर्स रहता है। 5 टीमें उसी पर्स को लेकर ऑक्शन में उतरेंगी। सभी टीमें ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी ही खरीद सकती हैं। इन सभी का पर्स लिमिट 15 करोड़ होता है। WPL की 5 टीमों में गुजरात जायंट्स के पास सबसे ज्यादा 5,95,00,000 का पर्स बाकी है, जिससे उन्हें 10 प्लेयर्स खरीदने हैं। ऑक्शन लिस्ट में 2 प्लेयर्स की बेस प्राइस 50,00,000 रुपए है। इनमें वेस्ट इंडीज की डिएंड्रा डॉटन और ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ शामिल हैं। WPL का पहला सीजन इसी साल 4 से 26 मार्च के बीच खेला गया था। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था।